और ये देखिए, ये हमने जो बीच की शेप है इसको कटिंग कर लिया है। इसको हम साइड में करेंगे और ये जो शेप है इसको हम इस कपड़े पर इस प्रकार से पेस्टिंग करेंगे। इस कपड़े को हम डबल करेंगे और ये जो हमारा राउंडिंग गला है इसको हम साइनिंग वाले कपड़े पर पेस्टिंग करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम इसकी पेस्टिंग कटिंग करते हैं। और ये देखिए, ये हमने इसकी डिजाइन की पेस्टिंग कटिंग कर ली है। यहाँ से ये जो पेस्टिंग है गले के बीच की साइड में, इस ये पेक है और इसको खोलते ही देखिए ये इस आकार में राउंडिंग गला हो गया है। अब हम इसको साइनिंग वाले इस कपड़े पर इस प्रकार से सेटिंग करेंगे। इसकी एक साइड भी स्टिचिंग करेंगे, जो अंदर वाली साइड है ये साइड इसको हम पैकिंग कर रहे हैं। पूरा राउंडिंग स्टिचिंग कर लिया है और ये हमारे कपड़े में जो हमारा पेस्टिंग था उसको हमने साइनिंग वाले कपड़े पे कवर कर लिया है। तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। ये देखिए पूरा स्टिचिंग हो गया है और अब हम इसको, अब ये जो इसका आधा इंची का कपड़ा छोड़कर जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसकी हम कटिंग कर देते हैं। जो भी है फोल्ड कर लेते हैं। तो इस तरफ से फोल्ड करेंगे हम। इस प्रकार से हम इसको चारों साइड से फोल्ड कर लेंगे। ये जो हमारा नेक है इसको हमने पेस्टिंग पे पेस्ट किया है और जो एक्स्ट्रा कपड़ा था उसको कटिंग करके और बाकी के कपड़े को अंदर फोल्ड कर दिया है। बहनों, अगर आपको स्टिचिंग की वीडियो देखनी हो या फिर कटिंग की वीडियो देखनी हो स्टेप बाई स्टेप या साइज वाइज, तो आपको प्रत्येक साइज की वीडियो आपको मेरे इस चैनल में संचेती फैशन डिज़ाइनर विथ आरडी संचेती के साथ आपको सारी वीडियोस मिलेगी, जिसमें आपको 32, 34, 36, 38, 40, 42 सभी की फर्मा कटिंग और इजी स्टिचिंग आपको देखने को मिलेगी। तो आप मेरी वीडियो सर्च करें और देखें। ये देखिए, ये हमारी डिज़ाइन तैयार है। इसकी जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसकी हम कटिंग करेंगे। इस प्रकार से जो एक्स्ट्रा पेस्टिंग है उसकी हम कटिंग कर देंगे। ये जो बुकरम एक्स्ट्रा है इसको हम इस प्रकार से, नीचे वाला जो पार्ट्स है इसको हम इतना एक्स्ट्रा रखेंगे और जो ये पेस्टिंग है इसको हम बिल्कुल सिलाई के पास पास में रखते हुए बाकी जो एक्स्ट्रा है सारी इसको हम कटिंग करके अलग कर देंगे। ये देखिए, पास पास में रखेंगे, बाकी जो एक्स्ट्रा पीस है उसको हम कटिंग करके अलग कर देते हैं। और ये देखिए, ये हमारी ब्लाउज का मेन सेंटर है, नेक का बीच का पार्ट है बिल्कुल, और इसको हम
जो ये हमने पेस्टिंग कवर्ड किया है साइनिंग वाले कपड़े को, इसको हम मेन सेंटर में, सेंटर को सेंटर से मिला करके, और इसको हम यहाँ से पिनअप कर सकते हैं, आलपिन से अटैच कर सकते हैं। और उसके बाद में हम देखिए यहाँ से बिल्कुल बारीक बारीक इसकी स्टिचिंग का लगाएंगे। और स्टिचिंग इसकी करने से पहले हम जो ये साइडें हैं इसकी, यहाँ पे हम पाइपिंग लगा रहे हैं। ये हमारी सिलाई ऑफ साइड में स्टार्ट कर लिया हमने, इसको हम पूरी राउंड ऑफ साइड में सिलाई लगाएंगे। तो दोस्तों, आपको मेरी हर वीडियो में कुछ न कुछ नया मिलेगा, तो आप जरूर अपनी जो वीडियो को पूरा देखें, डिज़ाइंस को पूरा देखें, तो आपकी समझ में बहुत आसानी से आएगा। और जो भी मैं आपको डिज़ाइन से बताती हूँ, वो आप अपने घर पे ज़रूर बनाइएगा। तो ये देखिए बहुत ही इजी से हमने इस नेक की कटिंग की है, और अब इसको हमने नेक की बैक साइड में अटैच कर लिया है। अब हम जो बीच का एक्स्ट्रा पार्ट्स है इसकी भी कटिंग करेंगे, और जो ये अटैचिंग किया हुआ है इसको भी हम निकाल देंगे। पूरी गले में हल्के हल्के कट लगाएंगे, जो राउंडिंग का नेक है सिलाई तक हम इसमें कट लगाएंगे, और फिर इसको ऑन साइड में ऐसे फोल्ड करेंगे। और ये देखिए ये हमने ये कटिंग किया है, और इसको पेस्टिंग पे फोल्ड कर लिया है। अब हम इसको साइडों से कवर्ड करके और तैयार कर रहे हैं। चारों जो इसकी साइडें हैं, जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको अंदर फोल्ड कर दीजिए इस प्रकार से। और ये देखिए चारों ओर से कवर्ड होने के बाद ये तैयार हो गया है। इसको हम ब्लाउज की बैक साइड में लगा रहे हैं। और ये देखिए ये ब्लाउज का नेक का बीच का मेन सेंटर है, इसको हमने मार्किंग किया हुआ है। और ये जो डिज़ाइन हम लगाएंगे इसका भी देखिए मेन सेंटर है, ये जो इसका बीच का सेंटर है ये इसका, और इस सेंटर को हम इस सेंटर में अटैच करेंगे। और ये जो डिज़ाइन है यहाँ से इसकी, देखिए यहाँ से इसकी हम पैकिंग करेंगे, इसको पूरा कवर्ड करके आपको दिखाते हैं। ये देखिए ये सेंटर को बीच में बिल्कुल सेंटर में रखते हुए ही हमें इसकी जो सेंटर है इस प्रकार से पूरी फुल राउंडिंग इसकी स्टिचिंग करेंगे हम। तो ये देखिए ये पूरा स्टिचिंग हो गया है। देखिए इसको हम बीच में से ऐसे कटिंग कर लेते हैं, जो ये हमारा पार्ट्स है इसको हम बीच में से ऐसे कटिंग करके, जिसकी गोल राउंड है इसको इस हिसाब से कटिंग करके, एक्स्ट्रा जो पार्ट्स है उसको हम निकाल देंगे आधा आधा इंच की रख करके, बाकी जो भी इसका एक्स्ट्रा पार्ट है उसको हटा देंगे। और ये जो कॉर्नर है
इस पे ऐसे कट लगा देंगे। इसके देखिए फिर इसमें भी हमें कट लगाने हैं, इसमें भी हमें कट लगाने हैं। इसके चारों ओर हम इस प्रकार से कट लगा देते हैं, सिलाई न कट जाए ध्यान रखें। ये कट लगाने के बाद इसको हम ऐसे अंदर फोल्ड करेंगे। ये जो हमारा पार्ट्स है इसको हम इस प्रकार से पूरा फोल्ड करेंगे। और ये देखिए ये पूरा बाहर आ चुका है और इस प्रकार से ये हमारी डिज़ाइन बनेगी। अब हम इसको पूरा ऐसे स्टिचिंग करेंगे। ये देखिए ये हमारी डिज़ाइन है। जैसे हमने नेक की कटिंग की है वैसे ही राउंडिंग में इसकी स्टिचिंग करते हैं। और ये जो देखिए बीच का है इसको बिल्कुल स्क्वायर में, जहाँ ये हमारे स्क्वायर का मार्किंग है यही इसको अटैच करेंगे। तो दोस्तों आपको मेरी डिज़ाइंस कैसी लगी मुझे कमेंट अवश्य करें और इसी प्रकार से मेरी वीडियो वॉचिंग करते रहें। ये हमारी डिज़ाइन लगभग बन चुकी है। अब हम इस पे पाइपिंग लगाएंगे और इसको थोड़ा बहुत डेकोरेट भी करेंगे। जिस प्रकार से हमने इसको ऊपर वाले को लगाया वैसे ही हम पूरी इसकी राउंडिंग में स्टिचिंग कर लेते हैं। जो साइडें हैं इसको पैकिंग कर लेंगे, अंदर हम डिज़ाइन लगाएंगे। और ये देखिए ये हमने बीच में यहाँ पे लगाने के लिए ये कपड़ा लिया है। इसको डबल फोल्ड कर ले, डबल में इसको फोल्ड कर लिया है और इसको बीच में से ऐसे बीच में से इस प्रकार से सिलाई से कवर कर लिया है और दोनों साइडों में इसको हमने सिलाई लगा ली है। अब ये जो सिलाई है इसका एक धागा इस प्रकार से खींच करके इस पर हल्की सी इस प्रकार से साइडें इसकी खुले रख लेते हैं और जो बीच में है इसको छोटे 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 इस पे सलवट आ जाती है। इसी प्रकार से इस प्रकार साइड में जो हमारी सिलाई है इसके एक धागे को हम खींचेंगे और ये जो बीच में है इस प्रकार से छोटी छोटी ये सलवट आ जाएंगी। तो ये जो हमारी डिज़ाइन होंगी इसको देखिए एक साइड में हम यहाँ पे इस प्रकार से इसको हम स्टिचिंग करेंगे और ये जो दूसरी साइड है इस पे हम इसको बराबर में करते हुए ऐसे इसको स्टिचिंग करेंगे और जो ये हमारा बीच में है इसको हम ऐसे लगाएंगे। तो ये देखिए ये हमारी डिज़ाइन। अब हम इसकी सिर्फ स्टिचिंग करेंगे, यहाँ से इसको पैक करेंगे और उसके बाद में हम जो ये है इसके यहाँ पे सेटिंग करेंगे। तो ये हमारी डिज़ाइन ऑलरेडी तैयार है। आपको हमारी डिज़ाइन कैसी लगी हमें ज़रूर कमेंट करें और देखते रहिए। बहुत ही सुंदर और बहुत इजी डिज़ाइन है ये। नेक हमने कटिंग किया है और इसके नीचे ये हमने वापस इसी प्रकार से राउंडिंग बनाया है और बीच में देखिए जो हमारे साइड वाला कपड़ा है उसको हमने डबल कपड़ा लिया है और साइडों से इसकी सिलाई करके और उसके धागे को खींच करके हल्के से मोचे लगा ली है। बीच बीच में मोचे लगा लिए, साइडें हमारी खुली है, बीच को बिल्कुल शॉर्ट कर लिया है, शॉर्ट करके उसको और इस प्रकार से डिज़ाइनिंग कर लिया है। तो ये हमारी डिज़ाइन आपको कैसी लगी? थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।